अक्सर स्कॉलर्स या फैकल्टी मेंबर्स स्टूडेंट्स ये वेब सर्चिंग करते हुए जनरली कोई स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ नहीं करते, तो जो गूगल है, गूगल गाइड, वो मुख्तलिफ टेक्निक्स और इस तरह की प्रोवाइड करता है ऑप्शंस, जिसके थ्रू स्पेसिफिक हम रिजल्ट्स डिग आउट कर सकते हैं। और उसके लिए ये जो वेब पेज का टाइटल होता है, अगर उसमें कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है तो हम ये गूगल का ऑप्शन यूज़ करते हैं, इन टाइटल। इससे बेसिकली जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे या किसी वेब पेज पे टाइटल पेज में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो वो डिग आउट होकर आएगी। सपोज मैं कहता हूँ कि स्कॉलरशिप्स ये इन टाइटल किसी पेज के हो, और साइट जहाँ ये मैं लोकेट करना चाह रहा हूँ वो साइट ये है। इससे ये होगा कि अगर किसी, ये सॉरी मैंने स्कॉलरशिप्स नहीं लिखा, अगर ये पर्टिकुलर कीवर्ड उस वेबसाइट के किसी भी टाइटल पेज में अवेलेबल होगा तो वो सर्च रिजल्ट्स में आ जाएगा। और सेम वे एक दूसरा जो है ऑप्शन गूगल प्रोवाइड करता है, इन यूआरएल के यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो पर्टिकुलर वेब एड्रेस का किसी पेज का लोकेशन होती है उसको कहा जाता है। तो उसमें अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जाहिर है वेब की जो यूआरएल में कोई अगर कीवर्ड होता है तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जैसे हम स्कॉलरशिप्स को सर्च करना चाहें तो यूआरएल के साथ आप देखेंगे इसके रिजल्ट थोड़े कम हो गए। अब क्योंकि जो प्रीवियस टाइटल में हम फाइंड आउट कर रहे थे तो बहुत सारे पेजेस हैं जिनके टाइटल पेजेस में स्कॉलरशिप्स लिखा हुआ है, बट स्पेसिफिक जो यूआरएल में मेंशन किया हुआ है वो 42 में किया हुआ है। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक वेबसाइट को हम नेरो डाउन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिमांड। उसके बाद अगर यही, अगर आप स्कॉलर जो गूगल की प्रोडक्ट है उस पे जाके यूज करना चाहेंगे तो उसमें देखें क्या होता है कि जो हम पर्टिकुलर किसी वेबसाइट, किसी किताब का या उसका रिसर्च पेपर का सर्च करना चाह रहे हैं, इन टाइटल मैंने लिखा पब्लिक पॉलिसी, तो ये आपको जिन जिन बुक्स में, आर्टिकल्स में ये फ्रेज, ये पर्टिकुलर कीवर्ड नज़र आएगा, गूगल वो सर्च करके आ जाएगा। अगर हम इसको फर्दर कोटेशन से नेरो डाउन करते हैं तो वो रिजल्ट्स कम होते जाएंगे। और अगर आप फर्दर इसमें ये जो रेंज है वो देते हैं कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट जो 2002 से 2020 तक के हों, तो ये और नेरो डाउन हो गए। तो ये गूगल की सारी जो प्रोवाइडेड ऑप्शंस हैं इनको यूज़ करते हुए हम बेहतर सर्च एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और स्पेसिफिक और रिलायबल और जो ऑथेंटिक कंटेंट है उस तक हम रसाई कर सकते हैं।